फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत पर कब कब और किस राजवंश का अधिकार रहा? तो इसके लिए ट्रिक है अपने पास, जी के ट्रिक को सलाम। तो क्या हुआ, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सलाम के एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश और एम से मुगल वंश करके इन सब के बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो 7वीं सदी में दिल्ली का निर्माण किया था तोमर वंश के राजाओं ने। उसका नाम दिल्ली का था पुराना नाम। इसके बाद 1052 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने आधुनिक दिल्ली का निर्माण करवाया था। बीच बीच में अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, वो इस प्रकार है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। इसके बाद सन 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें एक प्रमुख आक्रमण गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी है। इसके बाद मोहम्मद गोरी आया था, जिसने 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम और 1192 ईस्वी में तराइन द्वितीय का युद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने, जिसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन और लास्ट शंभुद्दीन केमर्स आखिरी शासक था गुलाम वंश का। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसका प्रमुख राजा था एक अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1301 में रणथंबोर का, 1303 में चित्तौड़ का, इसके अलावा सिवाना जाल और बहुत सारे युद्ध जीते। इसके बाद मुबारक खिलजी आया और उसके बाद खुसरो खां। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। इसके बाद तीसरा राजवंश आता है तुगलक वंश। सन 1320 ईस्वी से तुगलक वंश स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया था, जिसके समय में इबन बतूता अफ्रीकी यात्री भी भारत में आया था। उसके बाद फिरोज तुगलक और उसके बाद मोहम्मद तुगलक। इसके बाद चौथे राजवंश सैयद की स्थापना 1414 ईस्वी में खिजर खां ने करी थी। खिजर खां ने चित्तौड़ के किले को जीतकर खिजराबाद नाम भी रखा था। उसके बाद शासक आया था अलाउद्दीन आलम शाह। दो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है लोधी वंश, इसकी स्थापना बेहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी आया था, जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, आगरा का निर्माण कराया था। उसके बाद आया था इब्राहिम लोधी, जिसने खातोली पानीपत आदि युद्ध लड़े थे। युद्ध के बारे में ज़्यादा डिटेल में अपने युद्ध वाले वीडियो में डालूंगा। इसके बाद छठा और महत्वपूर्ण वंश आया था मुगल वंश। 1526 में स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध जीतकर। इसने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर आया था, जिसने 1562 में हरखाबाई, जो आमेर का राजा भारमल था, कछवाहा राजा, उसकी पुत्री हरखाबाई से विवाह किया था 1562 में। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर का प्रतिनिधित्व मानसिंह ने किया था, आमेर के राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप के युद्ध किया था और महाराणा प्रताप को हराया था। इसके बाद 1605 में सलीम या जहांगीर भी बोलते हैं, मुगल वंश का शासक बना और मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया गया। उदयपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानमती भी जहांगीर से करवाया गया था, जोधाबाई भी बोलते। इतिहास में जहांगीर की पत्नी मानमती को जोधाबाई की उपाधि दी गई है। इसी मानमती का पुत्र था खुर्रम या शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था 1653 ईस्वी में। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब और दारा शिको। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध 1658 और 59 में 2 बार युद्ध हुआ था, हरमत और दोराई का युद्ध। औरंगजेब की विजय हुई थी। इसके बाद मुगल वंश का आखिरी शासक बहादुर शाह जफर था। से दिल्ली के प्रमुख राजवंश के बारे में बताया मैंने। अगले वीडियो में हम राजस्थान के राजपूत राजवंशों के बारे में सीखेंगे।